ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना जो चैप्टर 5 है उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी हम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने गेम्स के लिए या क्रिकेट मैच आप लोग खेलते हैं या फुटबॉल मैच खेलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं। सो कॉइन में कितने हमारे पास चांसेस होते हैं, आइदर हेड विल कम और टेल विल कम। तो हेड या टेल, सो दीज आर चांसेस। हेड आने के कितने चांसेस हैं, टेल आने के कितने चांसेस हैं, दीज आर कॉल्ड चांसेस। या फॉर एग्जांपल, आपने डाई थ्रो, आप लूडो खेल रहे हैं, आपने डाई थ्रो किया, तो उसमें हमारे पास क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। सो दीज ऑल आर कॉल्ड चांसेस। तो ये हमारे सारे क्या हैं, चांसेस हैं। तो हैपनिंग ऑफ एनी, अच्छा इसमें हमारे पास क्या होता है, आउटकम होता है और एक इवेंट होता है। इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या चीज होती है, किसी भी चीज का होना, वो हमारा क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। किसी भी, जैसे आपने एक डाई थ्रो किया तो वो क्या है, एक इवेंट है। इवेंट तो आपने वैसे भी सुना होगा, इवेंट मतलब जैसे स्कूल में हमारे पास क्या होता है, एनुअल डे फंक्शन होता है, वो भी हमारा एक इवेंट है। स्पोर्ट्स डे होता है, वो भी हमारा एक इवेंट है। आप टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हमारा एक इवेंट है। तो किसी भी चीज़ का होना, वो हमारा क्या होता है, इवेंट होता है। मैंने एक कॉइन टॉस किया, दैट इज़ एन इवेंट। मैं यहाँ से चल के वहाँ तक गया, दैट इज़ एन इवेंट। तो इवेंट क्या होता है, हैपनिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इवेंट। सो व्हाट इज इवेंट, हैपनिंग of anything, happening of anything is called event. Now we have outcome. Outcome means, general language में अगर हम लोग देखें तो outcome means answer. What is the answer of this? Means मैंने एक toss किया, coin, सिक्का उछाला मैंने, तो उसका outcome क्या, means उसका answer क्या आया, head आया या tail आया। मैंने एक die throw किया, तो डाई थ्रो करने के बाद मेरा आंसर क्या आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, तो वो हमारा क्या हो गया, एक आउटकम हो गया। सो व्हाट इज आउटकम, आंसर, आंसर ऑफ एन इवेंट, ये हमारा क्या होता है, आउटकम होता है। ठीक है, नाउ वी कम्स टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है, प्रोबेबिलिटी होता है जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक कॉइन टॉस किया, सो आई से ये हेड आएगा या नहीं आएगा, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। या फॉर एग्जांपल, आप लूडो खेल रहे हैं, आपको कितना चाहिए जीतने के लिए, 4 चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं कि मेरा 4 आना चाहिए, तो 4 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी मतलब उसके चांसेस कितने हैं। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज, probability is favorable outcome favorable outcomes divided by total outcomes। So what is probability, probability is number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। For example student, we take an example, आप लोग एक डाइस थ्रो किया आपने, एंड यू नीड 4। तो इसको पहले मैं रब कर देता हूं। सो नाउ वी टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल इज थ्रोइंग अ डाइस, ये हमारा डाई का एक एग्जांपल है, डाइस का। इफ वी रिक्वायर 4 टू विन, अगर हमें डाइस में या लूडो में 4 नंबर चाहिए जीतने के लिए, फाइंड द चांसेस और प्रोबेबिलिटी, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी बोथ आर सेम टू विन, तो हम कितने चांसेस है कि हम लोग जीतेंगे। सही, एक डाइस में हमारे कौन कौन से नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो टोटल आउटकम्स, अब यू सी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल हम लोग कितने आउटकम्स हम लोग आ सकते हैं, 6 आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं। सो टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6, 6 नंबर हमारे पास आ सकते हैं, फेवरेबल आउटकम।
फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जो हमको चाहिए, हमको चाहिए क्या, वी रिक्वायर ओनली फोर. सो कितने आउटकम्स हमको चाहिए, हमें सिर्फ एक ही चाहिए, वन. सो इट इज वन. सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. सो प्रोबेबिलिटी इज 1/6. सो हियर आर 1/6 चांसेस दैट वी विल विन. ओके, नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल ओवर हियर. अ बैग कंटेन्स फोर, एक बैग है हमारे पास दैट कंटेन्स फोर रेड बॉल्स एंड टू ब्लू बॉल्स. अ बॉल इज ड्रॉन विदाउट सीइंग इन द बैग. विदाउट सीइंग इन बैग वी हैव ड्रॉन अ बॉल, वी हैव टेकन अ बॉल. व्हाट आर चांसेस, प्रोबेबिलिटीज, व्हाट आर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. मीन्स हम चार रेड बॉल है, टू ब्लू बॉल्स, हमने एक बॉल उसमें से निकाल लिया है बिना देखे, तो वो रेड बॉल होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है. नाउ यू सी हाउ मेनी बॉल्स वी हैव. वी हैव रेड बॉल, रेड बॉल, रेड बॉल, रेड बॉल. वी हैव फोर रेड बॉल्स एंड टू ब्लू बॉल्स. सो हाउ मेनी टोटल बॉल्स वी हैव. वी हैव टोटल बॉल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो टोटल, सॉरी, इज इक्वल्स टू 6. एंड व्हाट वी रिक्वायर, हम लोगों को फेवरेबल केसेस मीन्स हम लोगों को क्या चाहिए, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट. आवर रिक्वायरमेंट इज ओनली रेड बॉल. वी हैव टू फाइंड द चांसेस ऑफ ओनली रेड बॉल. नाउ रेड बॉल इज इक्वल्स टू 4. Now you see, these are total outcomes and these are favorable outcomes. So probability is 4/6. Favorable outcomes divided by total outcomes. So you see, this is how we have to find probability. So I keep it up to here. And I hope you have understood what I want to convey to you. तो आप लोग इसे कीजिए और next video में हम लोग अपना next exercise को complete करेंगे. Thank you and have a nice day.